अगर मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊँ तो क्या मैं अंदर चला जाऊँ? दिस इज अ क्रेजी गाइस, यहाँ पे हो गया है अंधा ग्लिच साला। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गर्ल की हलचल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से खेलने वाले हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D। तो आज हम लोग अपने मिथ्स को फिर से बस्ट या कंफर्म करने वाले हैं। तो जिसने भी जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट मिथ है कि अगर आप RPG से NPC को मारोगे तो वांटेड नहीं आएगा। ऑल राइट गाइस, भाई साहब ने ये कहा है कि जो भी यहाँ पे NPC घूम रहा है उसको अगर तुम रॉकेट लॉन्चर से अगर हम लोग मारा जाए तो हमारे पीछे पुलिस नहीं पड़ेगी। तो ये कहा है भाई ने, और NPC यहाँ कहीं तो दिखाई नहीं दे रहे। तो ऑल राइट गाइस, चलो वहां पे चलते हैं। ऑल राइट गाइस, आगे NPC, यहां से मैं निकाल लेता हूँ रॉकेट लॉन्चर और चलते हैं, इनको करते हैं शूट। ऑल राइट गाइस, कुछ नहीं हुआ अभी भी, और अभी मारते हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ऑल राइट गाइस, तो मैंने 2 NPC को मार दिया और मेरे पीछे अभी भी कोई स्टार की पुलिस नहीं लगी है, कुछ भी नहीं हुआ है। All right, this is a confirmed myth. चलते हैं अपने next myth पे। अपना next myth है कि JCB में light का एक narrow light निकलता है left की तरफ से। कुछ समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है भाई। पहले हम लोग night mode कर लेते हैं और चुपचाप। All right guys, तो night mode हो गया है। अब हम लोग मंगाने वाले अपनी JCB को, 6677 से अपनी JCB आ जाएगी। चलो हम लोग स्पॉन करते हैं। All right guys, JCB भी आ गई। चलो जल्दी से हम लोग इसके अंदर बैठते हैं और देखते हैं लाइट का ऑप्शन है। ओह भाई साहब, लाइट का ऑप्शन गायब है। कहाँ पे है लाइट का ऑप्शन यार? सारी कार्स में ऑप्शन होता तो था। चलो ये तो स्लो मोशन वाला है, ये अलग चीज है, ये तो कैमरे वाला है, बट लाइट का ऑप्शन कौन सा है यार? ये जो गन वाला है भाई, इधर किधर ही होता। रुको मैं सारे ऑप्शन को यूज़ कर लेता हूँ, एक बार पता चल जाए। इससे कुछ नहीं होगा, इससे भी कुछ नहीं, इससे भी कुछ नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। ओह तो भाई साहब, अब मुझे समझ आया भाई क्या कह रहे थे। भाई का मतलब था जो लेफ्ट में नैरो नहीं था, वो एरो था, जो लेफ्ट में एरो है उस पे लाइट का ऑप्शन जलता है। ये देखो, ये एरो है, इससे तुम आगे वाला भी ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे तुम्हारी लाइट भी जलेगी। एक ऑप्शन से दो काम हो रहे हैं भाई। वाओ भाई, खतरनाक लाइट है यार। थोड़ा चला के देखूँ क्या? बढ़िया लग रही है। ऐसे तुम इसको ऊपर भी कर सकते हो, लाइट पर ऊपर नहीं हुई, ऐसे देखो लाइट बंद होगी, चल रही है, लाइट बंद होगी, चल रही है, वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रही है। दिस इज अ क्रेजी, ये वाला मिथ भी कंफर्म है। निकलते अपने नेक्स्ट मिथ पे। अपना नेक्स्ट मिथ है कि पुलिस स्टेशन के साइड में जाकर जेट पैक लेकर फिर उतर जाना, आप जेल के अंदर घुस जाओगे। क्या बात कर रहे हो भाई, जेल के अंदर घुस जाऊंगा मैं? भाई ये तो मेरे को चाहिए। सामने ही पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे मंगवाते हैं जेट पैक, और जेट पैक का चीट कोड पता तो होगा आपको, 320। आप लोग जैसे डायल करोगे जेट पैक आ जाएगा, बैठ जाओ चुपचाप। तो यहाँ पे हो गया है अंधा ग्लिच साला। चलो मैं जेट पैक के अंदर बैठ गया हूँ, अब हम लोग उसको उड़ाते हैं। ऑल राइट गाइज, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, ठीक है भाई। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है भाई साहब। बस बस बस, नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, यार बैठे आराम से, ठीक है भाई। बहुत सही जा रही है, बहुत सही जा रही है, बहुत सही जा रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊँ तो क्या मैं अंदर चला जाऊँगा? एक बार ट्राई मारूं। ओ दिस इज अ क्रेजी गाइस, ये देखो जेट पैक अभी भी यहां पे खड़ा है और मैं जेल के अंदर हूं। अगर ये जेट पैक हट जाए, मान लो अगर ये जेट पैक अभी अभी हट जाए तो मैं जेल से बाहर तो कभी निकल नहीं सकता। भैंस की टांग साला, मैं स्टेयर्स पे जा चुका हूं साला, ये मेरे को नहीं पता था, मेरे दिमाग में नहीं आया ये। मैंने सोचा दीवारें मोटी करी होंगी, पुलिस है ना, पुलिस स्टेशन। बट गाइज मैं पुलिस स्टेशन के अंदर हूँ, अंदर हूँ। भाई साहब ऐसे तो मैं ऊपर भी जा सकता हूँ सेकंड फ्लोर पे, ट्राई करके देखें क्या? मेरे को लग रही है जा सकता हूँ, चलो बैठते हैं। वाओ सही है यार, ये जुगाड़ बहुत बढ़िया भाई। स्टेयर्स बंद है, ऊपर जा नहीं सकते, मैं स्टेयर्स पे तो चला जाता हूँ बट उसके ऊपर भी एक दीवार है, उस पर नहीं जा पा रहा। तो शायद आज वो काम हो सकता है मेरा, ट्राई मारते हैं। ओए ओए ओए, अरे बस 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 बस, भाई भैंस की टांग। अब भाई उतरूं, अगर मैं उतरूं, उतर गया, अरे नहीं यार, ओ फिर ओ गलत कर दिया मैंने, मैं जेल के अंदर आ गया क्या, नीचे वाली।
ओ बच गया, ठीक है भाई, जेट पैक है, बचा हूँ मैं अभी। हम लोगों को पुलिस स्टेशन के ऊपर जाना पड़ेगा सबसे पहले, चलते हैं। और क्या, ऑल राइट गाइज, तो मैं आ गया हूँ पुलिस स्टेशन के सबसे ऊपर टेरिस पे। ऑल राइट गाइज, दिस इज अ क्रेजी गाइज। अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे अलग लेवल के सस्ते नशे। आगे ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, और आगे और आगे, ये मैं आ गया, ठीक है भाई। नीचे उतरते हैं, नीचे नीचे नीचे, बस अब नीचे उतरते हैं। ऑल राइट गाइज, तो मैं आ गया हूँ सेकेंड फ्लोर। है ये सेकेंड ही फ्लोर है लग तो रहा। ओ भाई सब में सेकेंड फ्लोर। ओ भैंस की टांग, ये छोटा सा कमरा है भाई, छोटा सा, छोटा स्मॉल रूम, उसी के अंदर हूं मैं इस टाइम। ओ भाई सब, बट मैं फंस गया हूँ, बहुत फंसा हूँ, क्या कर रिया मैं, ये पागल हूँ क्या मैं। चलो मैं बैठता हूँ भाई सब इस छोटे से कमरे के अंदर, मैं अभी आपको लेकर आया हूँ अलग लेवल के सस्ते नशे। और फिर से बाहर आते हैं इधर साइड। ऑल राइट गाइज, दिस इज अ क्रेजी यार। ऑल राइट गाइज, तो मैं यहाँ पे आ गया, अब नीचे उतरता है चुपचाप, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ हो, ये तो स्टेयर्स है, ये तो, ओ इसके अंदर भी एक रूम है, रूम के अंदर रूम भाई साहब। ये देखो, ये स्टेयर्स हैं, ये जो देख रहे हो ये स्टेयर्स हैं, बट मैं स्टेयर्स के भी नीचे हूँ सस्ते नशे। भैंस की टांग भाई, इतना किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया होगा जितना साला मैं कर रहा हूँ भाई। अगर मैं इससे थोड़ा सा ऊपर स्टेयर्स पे, स्टेयर्स के सेकेंड फ्लोर पे जा सकता ना, तो मेरा काम बन जाता यार। पर मैं अगर एक बार ट्राई मारने की कोशिश करूँगा उतरते। ओह आ गया भाई सेकेंड फ्लोर पे आ गया, बट बात तो यहाँ पे फिर से फंस गई, क्योंकि भाई सेकेंड फ्लोर पे मुझे निकाल दिया। ये देखो नीचे स्टेयर्स है, ऊपर भी स्टेयर्स है, बट यहाँ पे आके मैं फिर से फंस गया। ये है थोड़ा सा दिक्कत। अब भाई अब मैं इसे बाहर नहीं जा सकता, गेम बैक करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा साथ छोड़ दिया है अपने जेट पैक ने भी। तो ये वाला मिथ बिल्कुल 100% अल्ट्रा कंफर्म है, कंफर्म है, निकलते अपने नेक्स्ट मिथ पे। इतना नेक्स्ट मिथ है कि स्टीयरिंग मोड करो और JCB स्पॉन करो और उस पे बैठो और JCB चलाते हो, एरो टर्न करो और देखो। ऑल राइट गाइस, सबसे पहले हमको गेम को बैक करना पड़ेगा। ऑल राइट, गेम बैक करके आप लोग सेटिंग में जाओगे, टच है यहाँ पे जॉयस्टिक और यहाँ पे स्टीयरिंग मोड आपको लगा देना है, बैक का जाना है, फिर करना है आपको प्ले। ऑल राइट गाइस, हमारे पास JCB आ गई है, अब स्टीयरिंग मोड भी ऑन है, अब देखते हैं क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, तो भाई मैंने स्टीयरिंग मोड ऑन किया है तो कुछ घंटा फर्क पड़ा नहीं, क्या हो रहा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऑल राइट गाइज, क्या हो रही है ये। स्टीयरिंग मोड ऑन किया, उनका कंट्रोल इधर उधर मूव करना, ठीक है इसको मूव कर लिया मैं, इसको ऊपर मूव करता हूँ, इसको किया, ऐसे किया, कुछ हुआ, देखो भाई साहब मैंने स्टीयरिंग मोड ऑन किया है तो भाई जो पहिए राइट लेफ्ट मोड़ रहे थे वो मोड़ने बंद हो गए, अब सीधा ही जा रही है। इधर साइड में, इधर साइड मोड़ नहीं पा रहा हूँ ना, मैं यहाँ से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, एरो से भी नहीं मुड़ रहे ना, इधर से मुड़ रहे हैं, और इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तब भी कुछ घंटा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ गया मेरे को। ओ भैंस की टांग, सस्ते नशे भाई साहब, क्या स्पीड है यार। तो भाई साहब इसमें ज़्यादा बड़ा ग्लिच हुआ नहीं, बस इतना है कि ये अपनी जो क्रेन है, जो अपनी JCB इधर उधर नहीं मुड़ रही है, सीधा जाती जा रही है और बैक आ रही है, बस आगे जा रही है, इसको कोई भी और कोई मतलब नहीं है ना, मैं इसको इधर लेफ्ट मोड़ सकता हूँ ना राइट, शायद यही है अपना मिथ, यही है ना। इसके बारे में आप कुछ कुछ भी पता हो तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। तो वैन आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। सबसे मस्त पार्ट आपको कौन सा लगा, मेरे को लगा भाई जो मैंने पुलिस स्टेशन को एक्सप्लोर किया था, खुफिया रूम, खुफिया कमरे, खुफिया जेल, सबको एक्सप्लोर किया। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, सेकेंड फ्लोर पे हमारा मिशन रहेगा, हम लोग उसको पार करने की कोशिश करेंगे। तो वैन आपको वीडियो अच्छी लगी तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो हम लोग मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।